हेलो एवरीवन मेरा नाम शौर्यकांत साहू और आज मैं आपको बताऊंगा बैडमिंटन डबल्स रूल्स के बारे में और साथ ही साथ जब आप सर्विस कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो तब आपका पोजीशन क्या होना चाहिए और जब आपका पॉइंट चेंज होता है तो आपको और आपको पार्टनर को कहाँ खड़ा होना है तो ये सब के बारे में बताऊँगा तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए सो क्या इस मैं सिंगल्स की वीडियो में बताया था कि बैडमिंटन में आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो सिंगल्स हो डबल्स हो या मिक्सड डबल्स तो उसमें 21 पॉइंट के तीन सेट होते हैं तीन में से जो दो जीत जाते हैं वो पूरा गेम जीत जाता है ठीक है तो मान लो कि ये दो हमारे पास टीम है और दोनों एक एक सेट जीत गए तो फिर थर्ड सेट फिर डिसाइड करेगा कि ओवरऑल गेम कौन जीतता है ठीक है अगर कैप्टन अमेरिका और बैटमैन कंटिन्यूसली दो सेट जीत जाते हैं तो थर्ड सेट खेलने के लिए जरूरत नहीं क्योंकि तीन में से वो दो ऑलरेडी जीत गए तो क्या मैच स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले दोनों प्लेयर आमने सामने आएंगे टॉस के लिए ठीक है ये टॉस के लिए आमने सामने आएंगे ठीक है और अंपायर यहाँ बीच में होगा तो गाइज यहाँ टॉस दो तरीके से होता है एक तो शटल थ्रो करके और दूसरा है कॉइन से लेकिन नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस में एक ही तरीके से होता है वो कॉइन थ्रो करके और बाकी क्लब टोर्नामेंट लोकल टूर्नामेंट्स में कॉइन से भी होता है और शटल थ्रो करके तो गायज यहाँ मैं शटल थ्रो करके टॉस करूँगा तो जो जिसके साइड बर्ड फेस करेगा वो टॉस यहाँ जीत जाता है तो चलिए हम टॉस करते हैं तो जैसे ये बीच में आया तो आपको फिर से सर्विस फिर से शटल थ्रो करना पड़ता है तो जैसे कि आप देख सकते हो जो ये बीच में भी नहीं है थोड़ा सा इधर है तो इन्होंने यहाँ टॉस जीत गया तो जो टॉस जीता उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं ठीक है एक तो सर्विस करेंगे दूसरा है कि कोर्ट डिसाइड करेंगे ठीक है तो जैसे कि इन्होंने बोला कि हम सर्विस करेंगे ये टॉस जीत गए तो इन्होंने बोलते हैं कि हम सर्विस करेंगे तो इनके पास ऑप्शन आ जाता है कि कोर्ट डिसाइड करेंगे कि इधर से खेलेंगे कि इधर से ठीक है तो गैज़ यहाँ जो जैसे ये टॉस जीत गए तो जो बचा वाला ऑप्शन रहता है वो अपोनेंट को मिल जाता है तो मान लो कि अगर ये टॉस बोल बोलते कि हम कोर्ट डिसाइड करेंगे तो ये यहाँ इनके पास सर्विस आ जाता लेकिन इन्होंने बोला टॉस जीत के हम सर्विस करेंगे यहाँ अंपायर एक और चीज़ पूछता है कि आप दोनों में जैसे ये टॉस जीत के सर्विस करेंगे तो आप दोनों में से सर्विस कौन करेगा तो कैप्टन ये दोनों डिस्कस करते और बोलते कि यहाँ मैं करूँगा सर्विस और ये दोनों डिसाइड करते कोर्ट हम लेंगे ये वाला और इन इनसे पूछते हैं अंपायर कि आप दोनों में से रिसीव कौन करेगा तो यहाँ आयरन डिस्कस कर बोलते इन दोनों कि रिसीव मैं करूँगा आयरन मैन बोलता है तो तो हम पोजिशन ले, ले लेते हैं ठीक है तो क्या जब भी मैच स्टार्ट होगा या कोई भी सेट आपका स्टार्ट होगा बैडमिंटन में तो आपको हमेशा अपने राइट साइड से सर्विस स्टार्ट करना है तो कैप्टन अमेरिका यहाँ सर्विस कर रहे हैं तो इनका राइट साइड ये है तो ये बॉक्स से उनको ये बॉक्स जो सर्विस करेगा उनको हमेशा डायगनल क्रॉस सर्विस करना है ठीक है और जो डबल में जो सर्विस वाला बॉक्स है आपको इस बॉक्स के अंदर सर्विस करना है अगर ये सर्विस कर रहे हैं और शटल यहाँ भी गिर रही है तो इन्हीं को रिसीव करना है ये नहीं मार सकते सर्विस के टाइम बस ठीक है क्योंकि रिसीव ये कर रहे हैं और अगर उसके बाद फिर कोई भी मार सकता है ठीक है अगर शटल नेट टच होके इस बॉक्स में गिर रही है तो राइट है इनको रैली कंटिन्यू करनी पड़ेगी अगर नेट टच होके ये बॉक्स में गिर रही है या डायरेक्टली इधर आ रही है ये वाले खंड में तो वो आउट है ठीक है और शटल अगर बाहर टच टप्पा खा के अंदर गिर रही है तो वो आउट है ठीक है उसके बाद फिर जैसे ये ये मार दिए इनके सर इनको सर्विस मिला और ये हिट कर दिए तो ये कोई भी एरिया में इस खेल सकते हैं अगर ये बॉक्स के बाहर मारेंगे तो वो आउट रहेगा और तो जो डबल्स में जो रहता है आपको ये पूरे बॉक्स के अंदर खेलना पड़ता है सो so कहते अब मैं आपको ऑड इवन रूल बता देता हूँ अगर आपका पॉइंट होता है जीरो टू फोर सिक्स एट तो आप अपने राइट right साइड से सर्विस करोगे ठीक है अगर आपका पॉइंट होता है वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड सो ऑन तो आप अपने लेफ्ट साइड से सर्विस करोगे ठीक है तो यहाँ जैसे हम डेमो के लिए एक मैच स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ कैप्टन अमेरिका सर्विस कर रहे हैं दोनों टीम का पॉइंट जीरो जीरो है तो बैडमिंटन में जब मैच स्टार्ट होता है तो ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट को हम लव ऑल बोलते हैं तो ये जैसे यहाँ कैप्टन अमेरिका यहाँ सर्विस स्टार्ट कर रहे तो जीरो एक इवन नंबर है तो वो अपने राइट right साइड से कर रहे हैं तो राइट right साइड से यहाँ सर्विस करे उसके बाद फिर यहाँ रैली स्टार्ट हुई ठीक है रैली स्टार्ट होने के बाद ये दोनों मिल के एक पॉइंट ले लेते हैं तो इनका पॉइंट हो गया वन इनका हो गया ज़ीरो तो कैप्टन अमेरिका वन एक होता है और तो ये यहाँ से सर्विस करेंगे यहाँ से अपने लेफ़्ट साइड से क्योंकि वन होता है और तो अगर ये प्लेयर लोग कंटिन्यू पॉइंट लेते जाते हैं तो कंटिन्यू कैप्टन अमेरिका सर्विस करते जाएंगे अगर इन्होंने एक पॉइंट ले लिया जो कि मैं आगे बताऊंगा तो फिर उसके बाद अगर इन ये दोनों टीम पॉइंट लेते हैं तो उसके बाद फिर बैटमैन सर्विस करेंगे ठीक है तो फिर से अब इनका पॉइंट हो गया वन इनका हो गया ज़ीरो ठीक है तो फिर से ये सर्विस करते हैं इनको फिर से रैली चलती है इधर से उधर फिर से रैली चल रही है उसके बाद फिर ये दोनों मिलकर एक और पॉइंट ले लेते हैं तो इनका पॉइंट हो गया टू इनका हो गया जीरो तो टू एक इवन नंबर है ठीक है तो ये अपने राइट right हाइड से सर्विस करेंगे क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू पॉइंट लिया तो यही सर्विस करते रहेंगे तो इनका राइट right साइड ये है जो कि हमारा इवन बॉक्स भी कहलाता है तो ये यहाँ से सर्विस करेंगे इनको ठीक है तो फिर से यहाँ रैली चलती है कंटिन्यू और ये सर्विस के टाइम सॉरी uh, रिसीव करने के टाइम ये अपना बॉक्स चेंज नहीं करेंगे भले रैली चलने के टाइम वो इधर उधर हो जाए लेकिन जब रिसीव करेंगे तो यही बॉक्स में इनको करना है ठीक है तो पॉइंट है अभी टू ज़ीरो फिर से ये सर्विस करते हैं इनको फिर से रैली चलती है उसके बाद फिर अब ये दोनों मिल एक पॉइंट ले लेते हैं तो इनका पॉइंट हो जाता है वन इनका हो जाता है जीरो तो ठीक है तो वन है और नंबर तो इनका लेफ्ट साइड ये है ठीक है अब ये सर्विस करेंगे इनको ठीक है फिर से अब यहाँ रैली स्टार्ट होता है कंटिन्यू रैली चलता है उसके बाद फिर से इन लोग मिलकर एक पॉइंट ले लेते हैं ठीक है तो अब पॉइंट हो गया थ्री इनका हो गया वन लेकिन थ्री में ये है अब यहाँ बैटमैन ही सर्विस करेंगे क्योंकि टू तक कैप्टन अमेरिका करे लेकिन एक पॉइंट इन्होंने लिया तो ब्रेक हो गया पॉइंट अब फिर से इन्होंने लिया तो फिर यहाँ कंटिन्यू सर्विस करेंगे बैटमैन अगर ये टीम कंटिन्यू पॉइंट लेते जाती है तो फिर बैटमैन कंटिन्यू सर्विस करते जाते हैं तो क्या इज यहाँ है तो जो टीम 21 पॉइंट पहले ले लेती है वो गेम जीत जाती है अगर 21 वन ऑल ट्वेंटी टू ऑल ट्वेंटी थ्री ऑल कंटिन्यू ऐसे होते जाता है तो 29 नाइन ऑल के बाद जो टीम एक पॉइंट ले लेती है वो गेम जीत जाती है थर्टी ट्वेंटी नाइन से सो so, कैज मैं आपको एक दो सिचुएशन बता देता हूँ जब आप बैडमिंटन खेलते हो तो कभी कभार आपके साथ होता होगा ये तो जैसे कि ये इस बैटमैन है और ये हमारा कैप्टन अमेरिका है तो इन्होंने रैली कंटिन्यू चल रही है और रैली कंटिन्यू चलने के टाइम पहले बैटमैन के रैकेट से टच होता है शटल उसके बाद फिर मारते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका तो इसमें डायरेक्टली पॉइंट इनको मिल जाता है क्योंकि शेडल को आप दो बार नहीं मार सकते ठीक है और कभी कभार ऐसे भी होता है कि अगर रैली कंटिन्यू चल रही है और जस्ट नेट टच होके इधर गिर जाती है ठीक है तो यहाँ इनको पॉइंट मिल जाता है अगर नेट टच होके ये आ, माने अगर मार सकते हैं नेट टच होके सफल हो जाते हैं मारने में तो रैली फिर कंटिन्यू होगी तो कह रैली चल रही हो तो आ, आप अपने रैकेट से ठीक है आप, आप अपने रैकेट से नेट को टच नहीं कर सकते या बॉडी से टच नहीं कर सकते नहीं तो फॉल्ट हो जाएगा अपोनेंट को यहाँ पॉइंट मिल जाएगा तो क्या जैसे कि मैं बताया था बैडमिंटन में ट्वेंटी पॉइंट्स के तीन सेट होते हैं तीन में से जो जो जीत जाते हैं वो मैच जीत जाता है ठीक है लेकिन हर सेट में इलेवन पॉइंट्स के बाद दोनों को दोनों टीम को कॉर्नर में जाना पड़ता है थोड़ा पानी यानी पी सकते हैं आपका कोच आएगा कुछ स्ट्रेटजी बताएगा ठीक है उसके बाद एक मिनट का ब्रेक मिलता है आपको इस इस दौरान तो ये सब आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर आपको वापस कोर्ट में आना है ठीक है तो इलेवन पॉइंट्स के बाद फिर आप कंटिन्यू रैली करोगे तो मान लो कि ट्वेंटी पॉइंट्स में से सॉरी तीन सेट में से पहला सेट ये जीत गए ट्वेंटी वन से ठीक है तो उसके बाद पहला सेट के बाद आपको फिर कोर्ट चेंज करना पड़ता है तो ये दोनों प्लेयर फिर कोर्ट चेंज करके ये इधर आ जाएंगे और ये दोनों फिर इधर आ जाएंगे ठीक है फिर वही सेम इलेवन पॉइंट्स के बाद फिर से ब्रेक ब्रेक लेंगे फिर ट्वेंटी वन पॉइंट्स में टू मिनट्स का फिर ब्रेक होता है ठीक है अगर ये कंटिन्यू दोनों जीत जाते हैं दो सेट तो फिर थर्ड सेट खेलने की जरूरत नहीं नहीं तो फिर थर्ड सेट खेलना पड़ेगा ठीक है थर्ड सेट में क्या होगा अगर थर्ड सेट जा रहा है तो इलेवन पॉइंट्स में थर्ड सेट में आपको कोर्ट चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखना है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें आपको कोई भी डाउट है बैडमिंटन से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है तो मैं वहाँ बैडमिंटन से रिलेटेड अपडेट देते रहता हूँ तो मैं नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं